हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 0 to 5। आज हम डिस्कस करेंगे DSSSB टीजीटी मैथ का सिलेबस, कि किस टाइप का सिलेबस पूछा जाता है। कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सिलेबस पे वीडियो बनाई जाए, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है। आपको फ्रेंड्स पता होगा, आपके दो सेक्शन आते हैं, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए जर्नल पेपर होता है आपका, और सेक्शन बी में आपका जो है पूरा जो सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का, वो पूछा जाता है। ठीक है, सेक्शन ए में आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं और हर पार्ट 20-20 मार्क्स का होता है। और सेक्शन बी जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी भी पूछी जाती है, जो पूरा 100 मार्क्स का होता है। आप देखिए आपको कैसे क्वालिफाई करना है इसको। सेक्शन ए और सेक्शन बी को आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, एप्लीकेंट ऑफ द पोस्ट कोड, इसमें आप क्लियरली लिखा हुआ है कि मस्ट हैव टू क्वालिफाई इन सेक्शन ए एंड बी सेपरेटली एज पर देयर कैटेगरी। तो देखो, आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है अलग अलग से क्लियर करना होगा, पास करना होगा। पासिंग मार्क्स गिवन है, जनरल वाले बच्चों के लिए 40 मार्क्स हैं। सेक्शन ए में भी 40 लेने होंगे, सेक्शन बी में भी 40 लेने होंगे, मींस टोटल आपको 80 मार्क्स लेने होंगे। ऐसे ही ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, उनको 35 मार्क्स सेक्शन ए में, 35 मार्क्स सेक्शन बी में, तो मींस टोटल 70 मार्क्स। एससी एसटी और पीएच वाले बच्चों को 30 मार्क्स सेक्शन ए में और 30 मार्क्स सेक्शन बी में, ऐसे ही टोटल कितने हो गए, 60 मार्क्स। तो ये दोनों आपको क्लियर करने होंगे, उसके बाद ही आपकी जो है पेपर आगे चेक होगा। ये मिनिमम मार्क्स है जो आपको लेने ही है, पासिंग मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गिवन है, जो आप देख लेना खुद। इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको पता ही होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। बीएड पूछी जाती है आपके पास, बीए, बीएससी जो भी है सब्जेक्ट वो पूछे जाते हैं। तो ये आप देख लेना, इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए अब चलते हैं मेन सब्जेक्ट पे। पार्ट ए पूछा जाता है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में 20 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है 20 मार्क्स की, ऐसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पूछी जाती है 20 की। हिंदी और इंग्लिश भी 20-20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और ये हर एक जो पार्ट है 1-1 मार्क्स का, ऐसे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, और 2 घंटे का आपका जो है पेपर होता है। और ऐसे ही सब्जेक्ट भी देखिए, पार्ट जो बी है आपका, उसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है और टीचिंग मेथडोलॉजी पूछी जाती है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सब्जेक्ट में फ्रेंड्स, जहां तक हमने एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग 90 मार्क्स तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं, और 10 मार्क्स जो है आपके टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। ये हमारा जो है क्राइटेरिया, हम गिवन नहीं है कि 10 मार्क्स ही आएंगे, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो वो आप देख लेना। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, तो आप उस हिसाब से अपने पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। अब देखिए सेक्शन ए को जो सिलेबस है वो गिवन है, DSSSB ने जो गिवन है वो आप देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है, करंट इवेंट पूछेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ लेंगे आपसे, स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लेंगे, जैसे अभी आपके ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डाल देंगे, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, ठीक है, साइंटिफिक जो रिसर्च वगैरह चलती रहती है उससे, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कुछ चल रहा है आपसे सब कुछ पूछा जा सकता है। ये आपका सिलेबस गिवन है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट जो है जनरल इंटेलिजेंसी, उसमें आप देख सकते हो कि ये आपका पूरा सिलेबस गिवन है। इसमें मेन टॉपिक जो आप देख सकते हो, रिलेशनशिप के बारे में, वेन डायग्राम के बारे में, डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, एनालिसिस, जजमेंट, ये पूरा सिलेबस आपको गिवन है। इस सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप देख लेना इन सबको, ये आपका सिलेबस गिवन है। थर्ड पार्ट है आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी 20 मार्क्स का ही आता है। इसमें आप देख सकते हो कि 8th क्लास से 10th क्लास तक की जो होता है आपका मैथ का पेपर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ पूछ लेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस का, और कंपाउंड इंटरेस्ट काफी आता ही आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंशुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पूछे जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ एक्सेट्रा। आप देख सकते हो ये आपका सिलेबस है अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी का, 20 मार्क्स का आता है और 20 ही क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे ही हिंदी भी 20 मार्क्स का और 20 क्वेश्चन
आप देख सकते हैं उसमें ग्रामर पूछी जाती है। ग्रामर में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, संधि वगैरह, ठीक है, और कुछ भी पूछ सकता है वो, क्रिया संधि कुछ पूछ सकता है। ऐसे ही आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में भी देखो आप वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनम्स, एंटोनम्स, करेक्ट एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो देख सकते हो। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना। वोकेबलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से करके जाना। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पे। अब है मेन सब्जेक्ट आपका, सेक्शन बी जो पार्ट है उसमें पूछा जाएगा मेन सब्जेक्ट। इसमें जो 100 मार्क्स का आता है मेन सब्जेक्ट, और जहां तक हमने स्टडी किया है आपका, उसमें क्या पूछा गया है कि 90 मार्क्स के तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से रिलेटेड आते हैं। ये हमारा अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं हम, क्लियरली नहीं है कि वो 10 क्वेश्चन ही पूछेगा। जितना अभी तक के एग्जाम हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें जो लगा, हमने बताया आपको कि अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप डी ट्रिपल एस बी ने जो गिवन है वो सिर्फ यही गिवन है कि जो TGT के लिए जो आएगा आपका वो ग्रेजुएशन लेवल तक आएगा, और जो PGT के लिए आएगा वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पूछा जाएगा। उसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, तो उसने कोई सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से आपके लिए कुछ बनाया है सिलेबस का PDF। तो आप देख सकते हो कि अभी तक दिसंबर 2014 और 2018 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हर पार्ट से, और अप्रोक्सीमेट कितने क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। ये हमने अप्रोक्सीमेट बोला है, कोई कंफर्म नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन में 5 से 6 मार्क्स पूछे गए हैं, पूछे जाने के चांस है, और दिसंबर 2014 में 6 क्वेश्चन पूछे थे, और सितंबर 2018 में ये एक क्वेश्चन आया था। ये हमारा रफ आइडिया है फ्रेंड्स, ये कोई कंफर्म नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही आप देख सकते हो हमने हर चैप्टर का अलग से बना रखा है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। ये सारी अप्रोक्सीमेट है, तो ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि इतना ही आएगा, ठीक है। ये हमने जो पीछे जो आपके एग्जाम हुए हैं उनके बेसिस पे बनाया है, तो आप इनको देख लेना, इनकी हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। अब चलते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस किस टाइप का होगा। तो सिलेबस में देख सकते हो आप, हमने सेट का, रिलेशन फंक्शन के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, जो आपको प्रिपरेशन करनी है जिनकी, वो आपको मिल जाएगा। इन सब का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हो और ये सिलेबस आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, किसी को भी अगर DTSSB के पेपर चाहिए हैं तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमने उसके लिए भी वीडियो बना रखी है। PDF चाहिए हो, कंप्लीट कोर्स चाहिए हो, या चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चाहिए हो, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा, और ये लिंक गिवन है, यहाँ पे आप ओके करके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।